और अब बात जयपुर में रह रही दो मासूम बहनों की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में दोनों बेटियों उन्हें अपने माता पिता के साथ रहने के लिए उनके ट्रांसफर की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों बहनें माता पिता की नौकरी की वजह से उनसे दूर रह रही हैं। पिता की पोस्टिंग कहीं है तो मां की पोस्टिंग कहीं और पढ़ाई की वजह से दोनों बहनें जयपुर में चाचा चाची के पास रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर बच्चों के बीच भी दिखते हैं। देश से लेकर विदेश तक में वो बच्चों से अपनापन जताते रहे हैं, उन्हें प्यार करते हैं, दुलारते हैं, इसलिए तो बच्चों के बीच वो काफी लोकप्रिय भी हैं। पीएम मोदी की इस आत्मीयता ने बच्चों में बड़ी उम्मीदें जगा दी हैं। वो शायद ये मानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी से वो कोई गुजारिश करेंगे तो वो जरूर पूरी होगी। यही वजह है कि जयपुर की दो बहनों ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अपने माता पिता के साथ रहने की ख्वाहिश जताई है। दोनों बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अपने माता पिता का ट्रांसफर जयपुर कराने का अनुरोध किया है, ताकि वो भी उनके साथ रह पाएं। सातवीं क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की अर्चिता और अर्चना नाम की इन दोनों बहनों ने चिट्ठी में इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि उनके पिता देवलाल मीणा चौहटन में सहायक लेखाधिकारी के पद पर काम कर रहे हैं, जबकि मां हेमलता कुमारी मीणा बालोतरा के देवड़ा ब्लॉक में सरकारी स्कूल की टीचर हैं। पीएम मोदी को दोनों बहनों ने अपने जज्बात बयां करते हुए लिखा, हम दोनों बहनों को अपने माता पिता की बहुत याद आती है तथा उनके बिना हमारा पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता। हम दोनों चाहते हैं कि हमारे माता पिता का स्थानांतरण जयपुर राजस्थान हो जाए और हम भी जयपुर अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं और वहां पढ़ाई करना चाहते हैं। हमने आपके कई अभियान जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि सुने और देखे हैं और हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। हमें भी हमारे माता पिता के साथ रहना है, उनका नाम रोशन करना है। कृपया आप हमारे माता पिता का स्थानांतरण जगतपुरा जयपुर कर दीजिए, हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। 25 फरवरी 2024 की तारीख में लिखी इस चिट्ठी में दोनों ही बहनों ने धन्यवाद कर अपना नाम भी लिखा है। पत्र के साथ साथ दोनों बहनों ने अपने माता पिता के साथ ही अपने चित्र भी बनाए हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि उनके माता पिता एक दूसरे से कितनी दूर रहते हैं और दोनों बहनें उनसे कितनी दूर। चित्र के मुताबिक दोनों के पिता चौहटन में उनकी माँ से 130 किलोमीटर दूर रहते हैं, जो समदड़ी में रहती हैं, और दोनों बहनें 646 किलोमीटर दूर जयपुर में रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे। और प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर दोनों बहनों ने गुहार लगाई है कि दोनों का ट्रांसफर यानी कि माता और पिता का वहां हो जाए ताकि पूरा परिवार एक साथ रहे। क्या कह रही है दोनों बहनें, सुनवाते हैं आपको। नमस्ते, मेरा नाम अर्षिता है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल बांदीपुर से। हमने मोदी श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था कि हमारे मम्मी पापा का ट्रांसफर हमारे पास करा दीजिए, अगर पापा का नहीं हो सकता तो मम्मी का करा दीजिए, हमको उनकी याद आती है। हमने मोदी जी के बहुत सारे मतलब टीवी पे न्यूज़ चैनल पे देखा था कि परीक्षा पे चर्चा में वो सारी बेटियों से बात करते हैं, तो हमने सोचा कि वो हमारी भी बात मानेंगे, इसलिए हमने पत्र लिखा था। और एक दिन ये बैठी बैठी ड्राइंग बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं एक लेटर लिखती हूँ मोदी जी को, जिससे मम्मी का ट्रांसफर हो जाए। हमने चाचा को फिर बोला था लेटर देके कि उसको पोस्ट करा दे, लेकिन चाचा ने सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दिया। अर्चना, क्या आपने ड्राइंग बनाई थी वो? हाँ। तो ये ड्राइंग आपने पहली बार बनाई है, पहले भी बनाते हो? पहले भी बनाती थी, मेरे को ड्राइंग करने का बहुत शौक है, इसलिए मैं जब भी बोर होती थी तब ड्राइंग बनाती थी। तो आपके मन में ये आइडिया कैसे आया कि हम ये मम्मी पापा की और हमारी दोनों बहनों की ड्राइंग बनाएं? हमें मम्मी पापा की याद आती थी, इसलिए हमारे दिमाग में ये आ गया और हमने सोचा कि एक बार मोदी जी को पत्र लिख दें। आप कहाँ पढ़ती हो अभी? अभी हम दिल्ली पब्लिक स्कूल बांदीपुर दौसा में पढ़ते हैं। तो बांदीपुर में कौन रहता है, किसके साथ रहती हो आप? हम हमारे चाचा चाची के साथ रहते हैं। चाचा चाची क्या करते हैं? चाचा तो टीचर हैं और चाची हाउसवाइफ है। तो मम्मी पापा की याद आती है आपको?
हाँ, ज्यादा मम्मी की आती है। कब मिल पाते हैं उनसे? दो एक महीने में एक बार मिल पाते हैं। तो आपकी जब छुट्टियाँ आती है तो आप मम्मी पापा के पास जाते हो या वो आपके पास आते हैं? हम भी उनके पास चले जाते हैं, वो भी हमारे पास आ जाते हैं। तो अब आपको क्या उम्मीद है कि ये लेटर लिखने के बाद ये न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो आपको लगता है क्या कि आपकी मम्मी पापा का ट्रांसफर हो पाएगा? अगर पापा का नहीं हुआ तो मम्मी का तो हो ही पाएगा। हमारे पास करा दो, जिससे हम मतलब हमको बहुत अकेला फील होता है। आपको उम्मीद है क्या प्रधानमंत्री जी से कि वो आपकी बात सुनेंगे? हाँ, क्योंकि हाँ, मोदी जी, हमने देखा कि मोदी जी है ना, बेटियों से बात करते और उनके उनको सपोर्ट करते, उनकी समस्या को दूर करते, इसलिए हमने सोचा कि हमारी भी बात मानेंगे। आपका नाम क्या है? अर्चिता। आपका क्या नाम है? अर्चिता। दोनों बहने हो आप? हाँ। जुड़वा बहने हो? हाँ। कितने भाई बहन हो आप? दो ही है।